हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका फ़ोन 2GB या 3GB रैम का फ़ोन हो, उसमें से आप इजीली वांट ऑफ हेडशॉट लगा सकते हो और इजीली वांट ऑफ हेडशॉट ट्रिक काम कर जाएगा गाइस। तो गाइस, हमारा जो पिछले वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई, अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गाइस, उस वीडियो में आपने बोला था कि भाई, मेरा फ़ोन तो 2GB या 3GB रैम फ़ोन है, तो उसमें से इजीली वांट ऑफ हेडशॉट नहीं लगते और वांट ऑफ हेडशॉट लेने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं गाइस। ठीक है, तो मैंने सारा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर वॉल पर सेट कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही फ्री फायर रिलेटेड वीडियो लाता रहता है गाइस। ठीक है, तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो भाई लोग, इस वीडियो में मैं आपको दो ही सेटिंग बताने वाला हूँ, जिन सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है गाइस। तो आप लोग इस सेटिंग को, मतलब इस जो टिप्स को, आप ध्यान से फॉलो करना एंड आपको माइंड में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा अपना सेंसिटिविटी के बारे में। तो गाइस, अगर आपकी फ़ोन भी 2GB या 3GB रैम फ़ोन है, तो सेंसिटिविटी आप 75 रख सकते हो गाइस, मैक्सिमम 75। ठीक है, तो मैं जो बात करने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा गाइस, तो नहीं तो आपका हेडशॉट लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा गाइस। ठीक है, सेंसिटिविटी जो होगा वो आपको 75 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम सेंसिटिविटी आपको 75, जनरल में 75 होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपका फ़ोन 4GB या 6GB या 8GB रैम फ़ोन है, तो आप पूरा मैक्सिमम सेंसिटिविटी रख सकते हो गाइस। ठीक है, तो ऐसे तो मेरा जनरल जो सेंसिटिविटी होता है वो हमेशा 100 पर ही रहता है। तो गाइस, उसके बाद जो ट्रिक आते हैं वो आता है आपका कंट्रोलिंग में जाके देखो, कस्टम HUD करो। ठीक है, कस्टम HUD में, एक सेकेंड गाइस, कस्टम HUD में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा राइट फायर बटन आता है वो आपको पूरा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, इतना बड़ा और इतना बड़ा नहीं करना है गाइस, वो आपको आई सजेस्ट दैट कि आप 40 से 50 तक रख सकते हो गाइस, यही परफेक्ट पोजीशन है और यही अपना परफेक्ट मेजरमेंट है गाइस। वांट ऑफ लेने के लिए 40 से 50 आप रख सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मतलब जितना, मतलब आपके हिसाब से सेट करो, 40 से 50 तक आप रख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। तो गाइस, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जितना छोटा होगा आपका राइट फायर बटन, उतना ही आपको हेडशॉट लेने में इजी हो जाएगा और हेडशॉट आसान तरीके से लग जाएगा गाइस। ठीक है, तो गाइस उसके बाद जो आपका सेटिंग आते हैं वो आते हैं आपका मोबाइल की सेटिंग के ऊपर। मोबाइल की सेटिंग के ऊपर अंदर आप डेवलपर ऑप्शन में चले जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा जिसका नाम है स्मॉलेस्ट विथ। अब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, मेरा जो स्मॉलेस्ट विथ है जिसका नाम है DPI। ठीक है, तो DPI देखो 423, तो आप DPI इधर में 443 भी कर सकते हो, क्योंकि 20 जो DPI होता है, ये 20 बढ़ाने में इतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुँचाएगा गाइस। ठीक है, तो 20 मतलब ना की बराबर होते हैं गाइस। ठीक है, तो अगर आपका फ़ोन 2GB या 3GB रैम फ़ोन है, ये आपको 20 बढ़ा दो कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आपका फ़ोन नियर अबाउट 8GB और 6GB होते हैं, ठीक है, और 4GB भी होते हैं, तो आप इसको 30 या 40 बढ़ा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो असल में मैं तो 423 DPI सेंसिटिविटी में खेलता हूँ गाइस। ठीक है, तो और गाइस, ये 20 आप बढ़ा दोगे तो आप बढ़ाने के बाद भी गेम खेलोगे तो उस गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट देखना, और थोड़ा सा मतलब हल्का सा बढ़ा दो। ठीक है, हल्का सा बढ़ाने के बाद आप उस गेम प्ले को देखना क्या इम्प्रूव हो सकता है कि नहीं। तो गाइस, अगर आपका फ़ोन थोड़ा मतलब हीटिंग हो रहा है तो आप इसको मत बढ़ाओ। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के बाद आप गेम खेलो। अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा है और हीट हो रहा है तो आप इसको मत बढ़ाओ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, मतलब 20 बढ़ा दोगे, तो ये आपका जो हेडशॉट लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। ठीक है,
तो गाइस यही था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते ही आपको जो वन टैप हेडशॉट की जो चांसेस हो जाएगा वो 100% गाइस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा गाइस दूसरा वीडियो कौन सी टॉपिक पे लाओ, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। भाई लोग आज के लिए इतना ही, तो गाइस मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड सभी हमेशा स्टे होम, हमेशा घर पर रहो एंड हमेशा सेफ रहो गाइस, लव यू ऑल गाइस।